तो दोस्तों अब हम बना रहे हैं दुनिया की सबसे सिंपल मोटर। उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ें अपने पास, बैटरी है, कील है या जिसको आयरन नेल बोलते हैं हम लोग, और ये कुछ एक चुंबक हैं, और ये वाले हमारे पास कुछ एक नियोडियम के चुंबक हैं। दोस्तों ये जो चुंबक है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, हालांकि इतने भी नहीं है जितना मैं ऐसे ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ। खैर अब ये देखो, अपन ने एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इसको मैं यूँ ही इस नियोडियम वाले मैग्नेट के बीच में रख रहा हूँ। देखो वो ऐसे अच्छे लुक के लिए, और कुछ नहीं, ये रखा अपन ने। अब क्या कर रहे हैं, ये बैटरी ली और इस कील को मैं यहाँ इस नियोडियम के मैग्नेट से जोड़ रहा हूँ, और इस बैटरी पर ये, क्योंकि अब ये खुद भी चुंबक की तरह काम बिहेव करने लग गया है तो ये चिपक जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक तार का टुकड़ा ले रहे हैं सिंपल, इसको यहाँ से छील लिया अपन ने, यहाँ से छील लिया, एक हिस्सा रख रहे हैं अपन इसके ऊपर वाले सिरे पर, और यहाँ से हम इसको टच करेंगे। तो ये देखो दोस्तों, ये चल पड़ी अपनी दुनिया की सबसे सिंपल मोटर। तो क्या बोलते भाई लोग, ठीक है अब इसको रखते हैं अपन। ये बस अपने तार को इस तरह से लपेट रखा है, और ऊपर से हमने इसको ऐसे बनाया है कि ये एक पॉइंट पर टिक जाए, और नीचे से इसको इतना गोल किया है कि ये इस चुंबक को टच कर सके दोस्तों। तो ये इसको अंदर डाला अपन ने, और इसको इस पर रखा अपन ने, तो दोस्तों ये भी चल पड़ी अपनी एक और मोटर। एक और है, ये भी बड़ी मस्त है, इंटरेस्टिंग। तो इसको मैंने हार्ट के शेप में बनाया अपन लोग ने, यार ये रुक जाती हैं यार सारी की सारी, मेरी बेइज्जती कराने पर तो भी हैं सारी मोटर्स, ये साबित करती हैं कि मैं कितना घटिया एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अब यार वो देखो दोस्तों, दूसरे तो टुकड़े पता नहीं क्यों बंद हो जाते हैं। ये एक ऐसी वायर का टुकड़ा ले रखा है अपन ने, ये मस्त घूमता है। तो दोस्तों इतना ही नहीं, मैं अब आपको एक छोटी मोटर बनाना सिखा भी दूंगा। देखो बहुत सिंपल सा ही काम है अपने को, जैसे मतलब मान लो एक कॉइल बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाते अपन, छोटी सी। तो एक तार को उसके चारों तरफ लपेट लिया अपन ने, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे अपन, मान लीजिए इतना अपन ने लपेट लिया। अब क्या करते हैं, अपन इसको काट देते हैं, बाकी तार को काट दिया, और अब हमें इसके किनारों को छीलना है, और इसको चाहे तो मार्कर में से अलग कर सकते हैं। पहले उसको करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको हम लोग दोस्तों जो एक गांठ लगा लेते हैं, ताकि ये खुले ना, इसका जो शेप है वो बार बार बिगड़े ना। किनारों पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही तार चाहिएगा, तो आप उसका पहले से ध्यान रखें इस तरह से। और इसके दूसरी ही तरफ दोस्तों हम क्या करते हैं, ये लेकर के इसको भी ऐसे गांठ लगा देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बड़ा सिंपल अपन ने बना लिया इसको। अब हमें दोस्तों ये जो दोनों तारों के जो सिरे हैं इनको छील लेना है, तो मैं छील लेता हूँ जल्दी से। ये इस तरह से हमने इसके दोनों तारों को छील लिया है, ये इस तरह से कि इस तरह से बैलेंस हो जाए। साइड में से मैं इसको थोड़ा सा मोड़ रहा हूँ, और इधर से भी। अब दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, ऐसे हमें दो साइड में से बेस बनाने के लिए तार चाहिए, जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। और अब ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमें ये बैटरी लेनी है। इस पर हमने चारों चुंबक जो थे मैंने इस तरह से अपने लगा दिए हैं ऊपर। अब देखो दोस्तों, तो दोस्तों देखो मैं आपको दो जो हमने मोटर चला के देखी उनके बारे में बता दूंगा, बाकी का फिर अंदाजा आप लगा सकते हो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट एंड रूल लगाना है बहुत सिंपल। देखो कैसे, ये वाली लेते हैं अपन पहले। तो विद्युत धारा की जो दिशा है वो तो अपने को पता है, प्लस से माइनस। तो इधर से मतलब मान लो ये सिंगल वाला ले रहे हैं, पर उसको नहीं ले रहे, तो ये यूं आई धारा, यहां से यूं आई। तो अब क्या होगा, धारा तो यूं जा रही है। अब अपन इस तार पर बल देखते हैं कहां लग रहा है।
तो बायां हाथ लेना है अपने को फ्लेमिंग के नियम के लिए। तो आई तो हमें पता है ये रहा FBI, तो आई तो है नीचे, है ना। और ये अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो मान लो कि ये जो चुंबक है ना ये इस तरह से लगे हुए हैं कि नॉर्थ पड़ रहा है अपना इस तरफ और साउथ मान लो पड़ रहा है इस तरफ। भाई एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ होगा, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से होगा। और इधर भी इसी तरह से, समझ गए क्या दोस्तों? ये हमारी चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। इस तरफ अगर देखें अपन मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर यहां आकर के देखें, जैसे मान लो ये ऐसे बड़ा हुआ इस जगह आकर के देखें, तो अगर यहां टेंजेंट डालें तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि लगभग इस दिशा में है मैग्नेटिक फील्ड जो है। तो अब देखो FBI आए और ये है बी हमारा, तो बी की दिशा है दोस्तों ये वाली यहां पर इस तरफ, है ना। तो बल कहां लगेगा इस पर, बाहर की दिशा में, तो ये जो है कॉइल बाहर आ जाएगी और ऐसे ही जब घूम के आएगी तो यहां लगेगा, फिर यहां आएगी तो उसमें अंदर की तरफ बल लगेगा। और यहां पर भी देखो बहुत सिंपल है, जो करंट है प्लस से माइनस, यूं चली करंट यूं गई। अब जैसे मान लो वो यूं घूम करके जा रही है इसमें से आगे, तो इस कुंडली में धारा जो है वो इस दिशा में बह रही है, और ये घूम करके जब ऊपर आ रही है तो धारा इस दिशा में, फिर वापस घूम करके जाती है तो इस दिशा में चली जाती है धारा। तो कुल मिला के यहां पर सामने है, यहां पर नीचे है, इस तरफ है दिशा। तो अब यहां पर भी सिंपल, अगर अपन नीचे वाले इस पर लगाएं कुंडली पर बल, बल तो क्या अपना नियम, तो आई की दिशा हो जाएगी दोस्तों हमारी इस तरफ नीचे वाली पर लगा रहे हैं। और हमें देखना है बी, तो बी भी यहां पर सेम सी बात है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर अगर हम देखें, अगर ये ज्यादा पास में है तो जो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो देखो क्या होगा, ये तो है आई और बी जो है चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों वो ऊपर की तरफ है, तो बल इस पर कहां लगेगा, अंदर की तरफ, तो ये उस तरफ जाएगी और इस ऊपर वाली पर जो बल है वो लगेगा बाहर की तरफ, तो ये यूं करके घूमने लग जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि इसको समध्रुवी मोटर या होमोपोलर क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर ये है कि इसके जो पोल्स है ना, जो प्लस पोल है और जो माइनस पोल है वो बदलते नहीं। मतलब कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रिक पोलरिटी है या इसको हम बोलते हैं विद्युत ध्रुवता, वो सेम रहता है, प्लस भी उधर का उधर ही माइनस भी उधर का उधर ही। वैसे मोटर में क्या होता है, हमने देखा था कि जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही थी, तो यहां पर वो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो इसीलिए इसको अपन बोलते हैं होमो। वही का वही सम, सम सेम ध्रुव है भैया इसका, और ना ही चुंबक की पोलैरिटी चेंज होती है, नॉर्थ और साउथ भी जहां है वही का वही है। तो ये बड़ा सिंपल सा मस्त एकदम एक्सपेरिमेंट था। अब मेरे को आपसे बस इतना सा चाहिए, इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो करो, वायरल कर डालो इस वीडियो को, तो मतलब साइंस पढ़े तो लगे कि यार मजा आ गया यार, कैसे भी होता है क्या, तो बस इतना कर दो। और आपके कमेंट्स पढ़ के तो यार मजा ही आ जाता है। अब बात वही है कि मैं उलझा हुआ इतना होता हूँ कि सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन यहाँ बड़ी तसल्ली मिलती है। तो आप थैंक यू सो मच, और विकास स्पेशली आपने बहुत मोटिवेट किया है मेरे को भी। वैसे समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन सच में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और आपके साथ ये सिलेबस जो है मैं तो पूरा करने में ही रहूँगा 9th 10th का। तो मिलता हूँ आपसे और वीडियोज़ में।